तो दोस्तों जो गाड़ी आप मेरे साथ देख रहे हैं ना, ये कोई आम MG की ग्लोस्टर नहीं है, ये है MG ग्लोस्टर का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन। इसमें काफी कुछ अलग आपको दिखाई देगा अगर आप कंपेयर करेंगे रेगुलर MG ग्लोस्टर के साथ में, जो राइवल करती है फॉर्च्यूनर को। फॉर्च्यूनर और इसकी कीमत वैसे तो बराबर है, बट अभी ईयर एंड के ऊपर ना लगभग 6.5 लाख रुपए के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन के ऊपर, तो आपको ये लगभग फॉर्च्यूनर से 4 से 5 लाख रुपए सस्ती मिलने वाली है। बट प्राइस एक डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है साइज, स्पेस, पावर और जो फीचर्स ये गाड़ी ऑफर करती है फॉर्च्यूनर से काफ़ी आगे निकल जाती है, और आज हम उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, ब्लैक स्टॉर्म एडिशन के अंदर क्या खास मिलता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रंट के अंदर, तो यहाँ पर ऑल ब्लैक आपको ग्रिल मिलने वाली है, पियानो ब्लैक के अंदर ये पेंटेड रखी गई है, MG का बड़ा लोगो। एक आपको फ्रंट में कैमरा दिखाई देने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 360 डिग्री कैमरा, और ब्लैक स्टॉर्म के अंदर जो इसकी हेडलाइट्स है ना, इसके अंदर आपको रेड कलर के इंसर्ट्स दिखाई देने वाले जो काफ़ी स्पोर्टी लगते हैं, और बम्पर के नीचे वाले पार्ट के ऊपर भी आपको एक यहाँ पर रेड इंसर्ट्स दिखाई देने वाले हैं, तो फ्रंट से नॉर्मल ग्लोस्टर से काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। उसके अलावा आप देखेंगे साइड में, तो इसके जो ORVMs है उसके ऊपर यहाँ पे आपको रेड इंसर्ट्स नज़र आने वाले, और आप साइड से देखेंगे ना तो यहाँ पर इसमें मिलेंगे आपको ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स, 19 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट और रियर दोनों डिस्प्ले के ऊपर जो कैलिपर है उनको रेड कलर के अंदर पेंटेड रखा गया है। वैसे तो इसमें क्रोम आपको आगे बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, सिर्फ लोगों के अंदर दिखेगा, वैसे साइड के अंदर भी आपको जो क्रोम दिखने वाला है वो डोर हैंडल्स के ऊपर दिखने वाला है। ऊपर रूफ रेल्स ऑल ब्लैक रखी गई है, और साइड से सिर्फ डोर हैंडल को छोड़ दें तो सारा जो एलिमेंट आपको ब्लैक कलर के अंदर नजर आने वाला है सिवाय फुटस्टेप्स के। और फ्रंट और साइड की तरह ही पीछे भी डीक्रोम किया गया है इस गाड़ी के तमाम एलिमेंट्स को सिवाय लोगों को छोड़कर। यहाँ पर फोर व्हील ड्राइव, ग्लोस्टर, इंटरनेट इनसाइड, ये सारे जो यहाँ पे एम्बलम्स और जो बेजिंग है ना, ये ब्लैक कलर के अंदर रखी गई है, और ब्लैक स्टॉर्म के अंदर आपको ये रेड कलर के इंसर्ट्स इसके रियर लोअर पार्ट के ऊपर मिलेंगे बम्पर के अंदर। 4 आपको टिप्स मिल जाती हैं क्रोम के अंदर इसके एग्जॉस्ट की, तो लुक्स के मामले में ब्लैक स्टॉर्म आपको रेगुलर ग्लोस्टर के मुकाबले काफ़ी इंप्रेसिव और काफ़ी स्टाइलिश दिखाई देने वाली है। यहाँ पे टेल लाइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव सी नज़र आती हैं गाड़ी के अंदर। इंटीरियर के अंदर भी यहाँ पे ब्लैक स्टॉर्म में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो अंदर अगर आप यहाँ देखेंगे ना गाड़ी के अंदर, तो जैसे ही आप ग्लोस्टर के अंदर आएंगे आपको दिखाई देने वाला है ऑल ब्लैक इंटीरियर इस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन के अंदर। डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ये वाला पार्ट सॉफ्ट टच में रखा गया है, और स्टेयरिंग व्हील के ऊपर यहाँ पे रेड कलर की आपको स्टिचिंग नज़र आने वाली है ब्लैक स्टॉर्म के अंदर। स्टेयरिंग के ऊपर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स, एडास लेवल 1 आता है तो एडास के भी आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिखाई देने वाले हैं। पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं, और ड्राइवर सीट के ऊपर आपको 2 मेमोरी फंक्शन मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आपको मिली है। फ्रंट बोथ सीट्स के ऊपर आपको वेंटिलेशन और हीटिंग ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं ट्रैक्शन के मोड्स, स्नो, मड, सैंड और रॉक, 4 आपको यहाँ पे ट्रैक्शन मोड्स मिल जाते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट मोड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया सी दिखाई देने वाली डायल के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। जो इसका ये गियर लीवर है ये बिल्कुल आपको एयरक्राफ्ट की याद दिलाने वाला है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक छोटा सा पॉकेट यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। और बात करें इसके स्पीडो कंसोल की, तो बड़ी स्क्रीन है कलर TFT के साथ, और साइड में आपको एनालॉग मीटर्स मिल जाते हैं स्पीडो के लिए और RPM के लिए। बड़ा इंफोटेनमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है गाड़ी के अंदर, और फुल पैनोरमिक सनरूफ मिल जाती है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे फॉर्च्यूनर के साथ ना, तो फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर एक तो इंफोटेनमेंट काफ़ी बड़ा है, और ये कनेक्टेड है इंटरनेट, इनसाइड जो इसका लोगो लगा हुआ है ना पीछे, उसका सारा का सारा आपको एक्सेस यहाँ पे दिखाई देने वाला है। इसमें गाना जैसी काफ़ी सारी ऐप्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे जो स्पीडो कंसोल है उसके अंदर बड़ी स्क्रीन मिल जाती है कलर, और वहीं पर एडास लेवल 1 आ जाता है जो आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिलता है। साथ साथ पैनोरमिक सनरूफ भी आपको मिल जाती है जो फॉर्च्यूनर के अंदर आपको नहीं मिलेगी। तो ये बड़े डिफरेंसेस आपको यहाँ पे फील होने वाले हैं। उसके अलावा जो डिफरेंस फील होगा वो होगा साइज़ का, काफ़ी आपको वाइडर नज़र आने वाली, काफ़ी बड़ी नज़र आने वाली है MG की ग्लोस्टर फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में। पीछे वाली सीट्स के ऊपर कैसा स्पेस है, तो पीछे बैठते ही आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस फील होंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर के मुकाबले। सबसे पहले होने वाला है स्पेस के अंदर, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको फील होने वाला है हेडरूम के रूप में, लेगरूम के रूप में। काफ़ी बड़ी साइज़ का आपको यहाँ पे विंडो ग्लास मिल जाता है गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर आपको बड़ी आर्मरेस्ट मिलने वाली है 3 कप होल्डर्स के साथ में। सेंटर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको AC के सारे कंट्रोल्स, फैन स्पीड वगैरह, मोड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। और एक आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है इसके सेंटर में। और 3 लोग अगर बैठ के गाड़ी के अंदर जाना चाहे ना, तो बीच वाली रो के ऊपर भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे हेडरूम मिल जाता है। ऊपर पैनोरमिक सनरूफ है जो इस जगह तक आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, तो जैसे आप ओपन करेंगे आपको दिखाई देने वाला है
पूरा व्यू आपको मिलने वाला है गाड़ी के अंदर। और ये वाली जो चीजें हैं ना, ये आप मिस करने वाले हैं टोयोटा की फॉर्च्यूनर के अंदर। ये देखिए, बिल्कुल पीछे वाली रो तक आपको यहाँ पे अच्छा सा व्यू मिलने वाला है। तो तीन लोग आराम से गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। थर्ड रो को भी अगर यूज करना चाहे ना, तो आपको थोड़ा सा सीट आप आगे कर लेंगे तो यहाँ पे लेग रूम है। ये देखिए लेग रूम ठीक है। पीछे वाली सीट के ऊपर मैं जाकर देखता हूँ कि कैसा स्पेस ये गाड़ी ऑफर करती है। तो थर्ड रो में जाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आना होगा। आप इस लीवर को पुल करेंगे ऊपर से, तो जैसे आप लीवर पुल करेंगे, ये वाला, ये सीट यहाँ से ऊपर हो गई है। और अब आप इसको यहाँ से धक्का मार दीजिए। अब गाड़ी के अंदर बैठना है। तो थर्ड रो के अंदर आपको ग्लोस्टर में कुछ ऐसा स्पेस मिलने वाला है। ये यहाँ पे लेग रूम आपको थोड़ा सा कम फील होगा। आप थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे, ये सीट आगे चली जाए तो आपको यहाँ लेग रूम मिल जाएगा। बट 6 फीट 1 इंच का मैं हूँ और मैं बैठा हूँ थर्ड रो के अंदर। यहाँ पर बाल जरूर टच हो रहे हैं गाड़ी के अंदर, पर बैठ पा रहा हूँ ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अंडर थाई स्पॉट आपको इस तरह की गाड़ियों के अंदर कम मिलता है। और यहाँ पे आपको एक ग्लास काफ़ी बड़ा मिल जाता है थर्ड रो के अंदर, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप बूट के अंदर बैठे हैं। आपको यहाँ से प्रॉपर विजिबिलिटी मिलने वाली है। एक कप होल्डर यहाँ पर दिया गया है और इस सीट को भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं। आपको ये इस तरीके से पुल करना है और आप ऐसे करके बैठना चाहें बैठ सकते हैं। बट हेडरूम इशू रहेगा अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है और आप थर्ड रो के अंदर बैठकर ट्रैवल करने वाले हैं ग्लोस्टर के अंदर। तो ओवरऑल स्पेसियस है अगर आप कंपेयर करेंगे इसके आर्च राइवल फॉर्च्यूनर के साथ में। तो यहाँ पर थर्ड रो के अंदर आप आराम से बैठ सकते हैं, जो फॉर्च्यूनर में ज़रूर आपको एक इशू होने वाला है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भैया चलाने में कैसी है ये गाड़ी। तो जैसे ही आप ग्लोस्टर को लेकर निकलेंगे ना, आपको सबसे पहले जो डिफरेंस फील होने वाला है फॉर्च्यूनर और ग्लोस्टर में, वो होगा इसके स्टेयरिंग के साथ में। इसका स्टेयरिंग काफ़ी लाइट है टोयोटा फॉर्च्यूनर के मुकाबले। और सिटी में चलाना हो या ऑफ रोडिंग के दौरान, आपको यहाँ पर बिल्कुल आप छोटी उंगली से भी स्टेयरिंग को घुमा सकते हैं, इतना लाइट आपको यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा जो डिफरेंस फील होने वाला है, वो होने वाला है इसकी सस्पेंशन के साथ में। अब ऊबड़ खाबड़ रास्ते के ऊपर मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पर, और अंदर उतना पता नहीं चल रहा है। वहीं पर अगर टोयोटा फॉर्च्यूनर होती ना, तो यहाँ पर मैं हिल रहा होता काफ़ी ज़्यादा यार। 3 साल मैं उस गाड़ी को रख चुका हूँ। मैंने खरीदी 2021 में, वो गाड़ी सेल की है 24 में ही, और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो इसकी राइड है वो काफ़ी बेटर है गाड़ी की। तीसरा, परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिलती है 218 PS की पावर, फॉर्च्यूनर में मिलती है 204 PS की पावर। टॉर्क यहाँ पर मिलता है 478 का, मैं बात कर रहा हूँ ट्विन टर्बो 4-व्हील ड्राइव वेरियंट की, जो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। तो पावर, परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफ़ी पसंद आने वाली है ग्लोस्टर की। और 4x4 में ना आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्नो, मड, सैंड, रॉक, तो ये ऑप्शंस भी आपके काफ़ी काम आने वाले हैं इस तरह की ट्रेल के ऊपर जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे। यहाँ पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये अरावली का एक पार्ट है, जंगल वाला पार्ट है, और यहाँ पे ये लूज सैंड है एक तरीके की। अच्छा, यहाँ पर सेफ्टी का भी पूरा ध्यान दिया है कंपनी ने। एक तो 360 डिग्री कैमरा आपके सेफ्टी के लिहाज से ऑफ रोडिंग के दौरान काफ़ी मदद करने वाला है। अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो सामने नहीं दिख रही, बट मैं इसके अंदर देखकर गाड़ी को आराम से चला पा रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर सेफ्टी में अगर आप बात करें, ऑटोमेटिक व्हीकल होल्ड फंक्शन मिल जाता है। जब भी आप कभी गाड़ी को कहीं इंक्लाइन के ऊपर आप रोक रहे हैं तो गाड़ी होल्ड हो जाती है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैकेनिकल आपको डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है। 6 एयरबैग्स को यहाँ पर स्टैंडर्ड रखा गया है। हिल होल्ड कंट्रोल आपको मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, RMI भी दिया गया है जो है रोल मोमेंट इंटरवेंशन। आउटसाइड जो ORVMs हैं वो आपको यहाँ पर हीटिंग ऑप्शन के साथ में आते हैं, जो फॉग में काफ़ी काम आने वाले हैं। और Level 1 ADAS के अंदर भी काफ़ी सारे सेफ्टी के कमाल के फीचर्स आपको मिल जाते हैं MG ग्लोस्टर के अंदर। तो सेफ्टी के कंपैरिजन में भी आपको ना काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के मुकाबले। और परफॉर्मेंस तो लाजवाब है ही गाड़ी की। यहाँ पर आप गाड़ी को आराम से लेकर जा सकते हैं और
फील्ड कंट्रोल वाले जो फीचर्स हैं, जो इस तरह के फीचर्स हैं ना, ये आपके काफ़ी काम आने वाले हैं जो आप गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग करेंगे। अब जिस तरह के रूट के ऊपर मैं गाड़ी को लेकर आया हूँ, एकदम से इंक्लाइन थी, तो अच्छी खासी आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं एमजी की ग्लोस्टर के साथ में। आप इंजॉय करने वाले हैं इस गाड़ी की ड्राइव को ऑफ रोडिंग के दौरान भी। और यहाँ पे काफ़ी कमाल के यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं। अच्छा, ऑन द रोड कैसी परफॉर्मेंस है, तो इसको लेकर चलते हैं रोड के ऊपर भी। तो 218 पीएस का इंजन है इस गाड़ी के अंदर। कंपेरिजन करेंगे ना आप तो फॉर्चुनर से भी आपको ज़्यादा मिलती है, और इनफैक्ट मेरे पास लैंड क्रूजर प्राडो है तो उससे भी ज़्यादा आपको पावर मिलती है। और वहीं आप साइज़ भी कंपेयर करेंगे ना तो कहीं ना कहीं प्राडो से भी ज़्यादा आपको बड़ी मिलती है एमजी की ये ग्लोस्टर। फॉर्चुनर से तो काफ़ी बड़ी है, तो मतलब साइज़ और परफॉर्मेंस में आपको जो इसके मेन राइवल है टोयोटा फॉर्चुनर, उसे कहीं ज़्यादा आपको ऑफर करती है ये ग्लोस्टर। और इतना ही नहीं यार, मतलब आप चलाएंगे ना गाड़ी को तो आपको एक तो 8-speed का गेयरबॉक्स मिलता है, पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिले हैं, आप पैडल शिफ्टर से भी यहाँ पे कमांड दे सकते हैं, और 8-speed का गेयरबॉक्स इस गाड़ी के अंदर। और अभी गाड़ी चल रही है 120 के आसपास की स्पीड पर। स्टेबिलिटी रॉक सॉलिड है क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 2.5 टन के आसपास का वेट मिलता है आपको इसके 4-wheel ड्राइव टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट के अंदर, जो फॉर्चुनर से लगभग 200-250 kg के आसपास ज़्यादा है, और वो एक अच्छी स्टेबिलिटी ऑफर करने में भी आपकी मदद करता है। बॉडी रोल भी आपको यहाँ पर ड्राइवर सीट पे मैं आपको हिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा हूँ, हाँ पीछे नोटिसेबल ज़रूर होगा, बट कुल मिलाकर एक अच्छी ड्राइविंग डायनामिक्स, एक अच्छी राइड क्वालिटी, और केबिन कहीं ना कहीं आपको फॉर्चुनर के मुकाबले ज़्यादा साइलेंट मिलने वाला है एम जी की इस ग्लोस्टर के अंदर। तो भाई, चाहे ऑन द रोड की बात करें, चाहे ऑफ द रोड की बात करें, चाहे आप साइज़ की बात करें, चाहे फीचर्स की बात करें, चाहे परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे प्राइस की बात करें, एमजी की ग्लोस्टर इसके आर्च राइवल टोयोटा फॉर्च्यूनर से हर एक जगह ना आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑफर कर रही है। अंदर 7 लोग कम्फर्टेबली जा सकते हैं, बूट स्पेस के अंदर 2-3 bag रख भी सकते हैं 7 लोग बैठने के बाद, तो इतना अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस मिलने वाला है। कीमत तकरीबन 5-6 lakh रुपये आपको कम पे करनी पड़ेगी अगर आप अभी खरीदते हैं गाड़ी को। और भोकाल तो है यार ग्लोस्टर के अंदर भी, और जो राइड क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस है, वो भी आपको टोयोटा की फॉर्च्यूनर से कहीं ना कहीं अच्छी मिलने वाली है एमजी की इस ग्लोस्टर के अंदर। तो ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये गाड़ी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता ही विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।